ऐसे ही रखा, आगे झुके और गर्दन दूसरी साइड। मैं वो तरीके बता रहा हूं जो आपको अपने घर में करने हैं अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए। आपकी नाक एक दिन में आधा लीटर तक एयर में से पानी सोख सकती है और आधा लीटर तक पानी डाल सकती है, यानी कि जब खुश्क हवाएं होती हैं तो एयर में पानी डाल देती है और जब ह्यूमिड वाली एयर होती है तो उसमें से पानी निकाल लेती है। ये नाक की कैपेसिटी है। अब एसी को, जैसे हमारे घर का एसी होता है, उसको हम जब भी स्टार्ट करते हैं क्या कराते हैं, सर्विस। नाक तो इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर मैं कहूँ 10-20 लाख रुपए ले लो और ये नाक निकाल के किसी दूसरे को दे दो, दे दोगे क्या? तो नाक इतनी महत्वपूर्ण है, उसकी सर्विस नहीं कराते हम। जो 15-20-50 हजार का एसी आता है उसकी सर्विस करा लेते हो। तो नाक की सर्विस के लिए आपके पास ये एक पात्र होता है जिसको जलनेति पात्र कहते हैं। ये पात्र के अंदर गुनगुना पानी आपने इसमें डालना है और इसमें आधा चम्मच नमक, नॉर्मल नमक जो आपके घर में होता है, ये नमक को आपने इसमें घोल लेना है। अच्छा, नमक का ही पानी क्यों? नमक के अंदर एक क्वालिटी होती है, ये क्लीनिंग को, कई बार आप फर्श पे पोछा लगाते हैं नमक के पानी का, तो नाक के अंदर जो म्यूकस भरा हुआ है, आपके नाक की जो इनर लेयर है उसके अंदर जो फ्लूइड थिक हो गया है उसको क्लीन करेगा, म्यूकस को शरीर से बाहर निकाले। करने का भी उतना ही ज्यादा तरीका है, आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं। नाक के अंदर इस तरीके से फिल कर दिया, आगे झुके, देखना जमीन की तरफ है, नीचे देखें और गर्दन को लेफ्ट साइड झुका लिया, पानी निकलने लगा। ये पता चल रहा है कि सर का पैसेज कितना क्लियर है कि नॉर्मल पानी से भी साफ पानी जा रहा है। उसके बाद आपने ऐसे ब्लो करना है, तो दोनों साइड से और 10 बार इधर से नाक से पानी बाहर करना है, 10 बार इधर से। नाक इतना क्लीन रहना चाहिए कि आपसे अगर कहा जाए नाक को ब्लो करो तो आपको हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये डर नहीं रहेगा आपको कि नाक के अंदर म्यूकस जमा हुआ है। तो आप जब मर्जी कमल के ऊपर ऐसे करते तो दोनों नोस्टूल से ये आप क्लीन हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से दूसरे साइड से लेंगे, ऐसे ही रखा, आगे झुके और गर्दन दूसरी साइड। नाक का ड्रॉप आपके नाक के अंदर नहीं रहना चाहिए। आप थोड़ी सी सावधानी इसकी समझ लें। जब आप पानी निकाल चुके हैं, नाक के अंदर पानी ना बचे, वैसे कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, नाक को ऐसे ब्लो करके और फिर आपने चेक करना है कि आपके नाक के अंदर पानी रुका हुआ है नहीं। अगर हाथ के ऊपर अभी ड्रॉप आ रहे तो आप इसको फिर 10-10 बार दोनों साइड। ऐसा करते करते कई बार जो लोग वीडियो देखेंगे उनके कान पर प्रेशर आ जाएगा, कई लोगों के, तो कान के प्रेशर को रिलीज करने के लिए क्या करना है, श्वास भरा, श्वास भरा, फेस पर एयर का प्रेशर दिया, कान के पर्दे अपने आप ठीक हो जाएंगे। जब हम ब्लो करते हैं तो कान के पर्दे अंदर की तरफ खिंचाव आ जाता है तो कान पर भारीपन लगने लगे, तो उसको तरीका यही है। कई लोगों को नाक में पानी फिर भी रुक सकता है, तो जब हम दिन में झुकेंगे तो नाक से पानी आने लगता है, तो उसके लिए एक तरीका है योग में शशांक आसन। तो शशांक आसन करने के लिए आप इस तरीके से घुटनों के बल बैठ जाए वज्रासन में और आगे झुककर दायां कान जमीन पर रखे एक बार, तो अगर पानी होगा तो राइट नोस्टूल से नीचे निकलेगा, फिर साइड चेंज करके इस तरीके से। तो अपनी नाक को सफाई करने के लिए मैंने बताया आपको इतने सारे तरीके हैं, इसको खाली जलनीति नहीं, आप एयर के थ्रू भी क्लीन कर सकते हैं। खाली सुबह सुबह उठे जब आप बाथरूम जाए, अगर आपके पास जलनीति पात्र नहीं है तो बहुत सिंपल सा तरीका बता देता हूं, थोड़ा नमक का पानी बना लें ग्लास में और अंजलि में ऐसे डाल लें और नाक से उसको ऊपर चढ़ा लें और फिर उसको ब्लो कर दें, बाकी प्रोसीजर सेम नाक की सफाई का। तो नाक के अंदर जो म्यूकस जमा है, जिसको जुखाम रहता है, खांसी रहता है, साइनसाइटिस होता है, कंप्लीट ENT के रोग आपके जलनेति से ठीक हो सकते हैं।
तो कितना सहज और सरल तरीका है। मैं वो तरीके बता रहा हूं जो आपको अपने घर में करने हैं अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए।